नया चैप्टर है विस्कोसिटी। लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन दी थी विस्कोसिटी की मैंने, बिल्कुल भी नहीं। विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि कोई भी लिक्विड बाद में करेंगे, विस्कोसिटी पहले करेंगे। तो कोई भी लिक्विड जब मूव करता है तो उसकी अपनी इंटरनल फोर्सेस उसको मूव नहीं करने देती, ठीक। तो कोई तो लिक्विड ऐसे है जिसकी अपनी ही फोर्स उसको मूव नहीं करने देगी, जिसमें तो ये प्रॉब्लम ज्यादा है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जिसमें ये प्रॉब्लम कम है उसकी विस्कोसिटी कम है। जो पतले लिक्विड होते हैं, जैसे पानी पतला लिक्विड है, आप उसको पाइप के अंदर फ्लो करवाओगे, उसकी अपने ही जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, देखो प्रॉब्लम सारी बॉन्डिंग की है, बेसिकली बॉन्ड्स हैं। कईयों में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं अंदर ही अंदर कि लिक्विड खुद मूव ही नहीं कर पाता। कईयों में बॉन्डिंग इतनी वीक होती है कि लिक्विड आराम से मूव कर पाते हैं। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हुए हैं तो लिक्विड ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, और अगर मूव नहीं कर पाएगा तो इट मीन्स कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जैसे अगर एक पाइप में आप एक हनी, एक शहद को फ्लो करने की कोशिश करवाओ, कहां मूव करेगा? वो बहुत मुश्किल से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल फोर्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है यहां तक। तो उस केस में वो लिक्विड ठीक तरह मूव नहीं करेगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। गाढ़ा लिक्विड, थिक लिक्विड, उसको बोलते हैं विस्कस लिक्विड। और कई लिक्विड होते हैं नॉन विस्कस लिक्विड, पतले लिक्विड, पानी जैसे, मिल्क जैसे, बहुत पतले हैं, तो ये नॉन विस्कस लिक्विड है। ये इजीली फ्लो करते हैं नॉन विस्कस लिक्विड, और विस्कस लिक्विड बहुत मुश्किल से फ्लो करते हैं, इनमें इंटरनल फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर है? अब विस्कोसिटी प्रॉपर्टी एक ऑफ लिक्विड या गैस, गैस के अंदर भी होती है, लिक्विड के अंदर भी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कम्स इनटू अ प्ले। मैंने बोला ना कि अंदर एक रेजिस्टेंस है, अंदर एक फ्रिक्शन है जो अपना रोल प्ले करेगी व्हेन लिक्विड इज इन मोशन, दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। एंड इंटरनल फोर्स ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ अ लिक्विड, जो इंटरनल फोर्स है वो मोशन को खत्म करने की कोशिश करेगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हम एक लिक्विड को असाइन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल क्या है? ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? ईटा सिंबल है। एंड जिस लिक्विड का ये सिंबल की वैल्यू ज्यादा, मान लो 10, किसी के लिए ईटा 8, किसी के लिए ईटा 7, किसी के लिए ईटा 1, मतलब जिसके लिए ईटा ज्यादा, समझो विस्कस लिक्विड, बहुत गाढ़ा लिक्विड है, थिक लिक्विड है। जिसका ईटा जितना कम, समझो पतला लिक्विड है और इजीली मूव कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ये कोफिशिएंट ऑफ, इस सिंबल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमने क्या किया? एक तरीका है हम केमिस्ट्री से अपना काम करें। हम क्या करें? एक बॉन्ड की फोर्स निकाल लें, एक बॉन्ड में कितनी फोर्स है, एक बॉन्ड में कितनी फोर्स है, और वो जो फोर्स है, मैं एक बॉन्ड की फोर्स निकाल लूं, सारे बॉन्ड की फोर्सेस निकाल लूं, और मैं वहां से कैलकुलेट करूं कि कितनी इंटरनल फोर्स डेवलप होगी। ठीक, बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री स्टडी कौन करेगा, बॉन्ड्स की फोर्सेस कौन स्टडी करेगा। हम अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं करते, हम किसी और तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रैक्टिकल करते हुए ये जो रिजल्ट है वो एकदम सही रिजल्ट देगा। तो पहला काम क्या कि जब भी आप विस्कोसिटी की वैल्यू, हम करने के वाले हैं ये सुन लो, जब एक लिक्विड फ्लो करेगा उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी बॉन्ड्स की वजह से, जैसे हमने कहा, तभी तो वो लिक्विड विस्कस लिक्विड है, तभी तो वो ठीक तरह फ्लो नहीं कर पाएगा। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी डेवलप होगी ये मुझे कैलकुलेट करनी है, और एक्चुअल तरीका बॉन्डिंग से है, क्योंकि ये सब कुछ हाई प्रॉब्लम किसकी वजह से है? बॉन्ड्स की वजह से है। पर मैं बॉन्ड्स के तरीके से नहीं कैलकुलेट करना चाहता, तो फिजिक्स का तरीका यह बोलता है कि आप एक काम करो, इमेजिन करो कि जब पानी या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्लो कर रहे हैं। लेयर्स, ये पानी की लेयर्स हैं जिसका एरिया कितना है? ए। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो सकता है, पानी लेयर्स में कैसे
मूव करेगा। पानी के पार्टिकल तो सुने हैं पर पानी की लेयर किसने सुनी है? तो सोचो, पानी फ्लो कर रहा है और मान लो पानी पानी नहीं है, केक है, आप उसकी स्लाइसेस काट रहे हो। इमेजिन ऐसे कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हो लेयर्स कैसी होती हैं। तो सोचो लेयर्स पे लेयर मूव कर रही है, इमेजिन कर रहे हैं। ये इमेजिन का अच्छा काम है ना फिजिक्स में, इमेजिन कर लो और फिर हो बाद में कह दो कि ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक। क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एकदम सही आते हैं, तो इसलिए ये इमेजिनेशन भी गलत नहीं है, इमेजिनेशन करना कभी कभी ठीक है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक कि क्या कॉन्सेप्ट है? तो अगर सपोज करो मैं इमेजिन कर लूं कि पानी लेयर्स की या कोई भी लिक्विड लेयर की फॉर्म में मूव करता है, लेयर का एरिया ए है, अगर मेरी ये जो दो हाथ हैं ये लेयर्स हैं और ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, तो इनमें फ्रिक्शन कभी नहीं आ पाएगी। फ्रिक्शन हमेशा अपना रोल तब प्ले करती है जब एक तेज मूव कर रहा है और एक स्लो मूव कर रहा है, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन। ठीक, अगर रिलेटिव मोशन है इसका मतलब दो सर्फेस आपस में स्लाइड करेंगी, स्लाइड करेंगी तो क्या डेवलप होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी जब दो लेयर्स के बीच में क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी। और क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है को होना पड़ेगा तभी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी और तभी तो लिक्विड बहुत आसानी से मूव नहीं कर पाता। तो फोर्स तो डेवलप करवानी है। तो दो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होती है इसका एक सीधा सीधा रिजल्ट है, बिना प्रूफ के, प्रूफ हमने नहीं करना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि अगर दो लेयर्स मूव कर रही हैं, लेट से एक मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो इसके ऊपर वाली वी के साथ नहीं मूव करेगी, देयर विल बी सम चेंज इन वेलोसिटी। डीवी इज अ चेंज इन वेलोसिटी। मैं ये नहीं कह सकता दो लेयर्स की वेलोसिटी सेम है क्योंकि मेरे को क्या डेवलप करनी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लेट से इनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? डीवी। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो चुकी है इसमें कितनी? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो मोशन के ऑपोजिट है। ये भी क्लियर है? और मान लो ये तो दो लेयर्स ली हैं, ये एक दूसरे के एकदम पास हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? dx। मतलब इनके बीच में और कोई लेयर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये तो कंजेक्टिव लेयर्स हैं, कोई भी उठा ली कंजेक्टिव लेयर्स है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? इसमें समझ आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, इस प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डीएक्स। डीवी बाई डीएक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिन्होंने फर्स्ट यहां से ज्वाइन किया हुआ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने एक वर्ड यूज किया था ग्रेडियंट, जिस भी क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट आ जाए वो डिस्टेंस से डिवाइड हो जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो कितना वेलोसिटी का डिफरेंस है और उनमें कितना डिस्टेंस है, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक हो गया यहां तक? तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीएक्स। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, सीधा हम सिर्फ याद कर रहे हैं। और इनको कंबाइन कर लो, ए डीवी बाय डीएक्स। एक चीज रह गई, लेयर किसकी बनी हुई है? लेयर थिक लिक्विड की है, कम थिक लिक्विड की है, पतले लिक्विड की है, किसकी है? तो लिक्विड का टाइप का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर कोई थिक लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है, ईटा ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा है। अगर ईटा कम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है दैट कोफिशिएंट, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये मोशन को हमेशा क्या करती है? अपोज, की रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। वेलोसिटी आगे की तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। फॉर्मूला याद रहेगा यहां तक? ठीक। अब इसके बाद ये फॉर्मेलिटी है यार, इसमें कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं। जैसे एफ की वैल्यू जो है वो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, अगर एरिया ऑफ लेयर 1 हो जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 हो जाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस ईटा। मतलब मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू ईटा। मतलब कि इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, या फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल है जब एरिया ऑफ लेयर 1 है और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू भी 1 है। जबरदस्ती बनाई हुई डेफिनेशन है जिसको मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं, ये नहीं आती होती। बट समझ आ रहा है कि ये कैसे एक्सप्लेन करना है?
इसको करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं सीधा। एसआई यूनिट देख लो, जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में ईटा ए डीवी बाई डीएक्स के इक्वल है, तो ईटा एक तरफ बाकी टर्म्स, एक तरफ एफ इंटू डीएक्स ए इंटू डीवी, फोर्स के एसआई यूनिट पुट करो न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, डीएक्स का मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे तो इतनी भी टर्म आएगी, इस टर्म को ऐसे याद नहीं करना, इसका शॉर्ट फॉर्म है डेका पॉइस। तो डेका पॉइस आर द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है यहां तक। और इसी को अगर सीजीएस में कन्वर्ट करो तो फोर्स टाइम्स में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसको आपने क्या बोल रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, ये पूरा चैप्टर में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस के फॉर्म में ही गिवन होती है, यानी कि सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में सीजीएस में चलेंगे इंस्टेड ऑफ एसआई, ठीक है यहां तक। तो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल आज। तो वन पॉइस को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आ जाओ। डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज, सॉलिड फ्रिक्शन हमने की लॉज ऑफ मोशन में, सर्फेसिस में जो होती है, सॉलिड सर्फेस में। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दो लिक्विड की लेयर्स में, लिक्विड की लेयर्स में। तो इनमें सबसे पहली चीज क्या सिमिलैरिटी है, चाहे सॉलिड फ्रिक्शन हो चाहे लिक्विड की फ्रिक्शन हो, ये मोशन को हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। नेक्स्ट है इस इट दोनों के दोनों कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन है। और लास्ट है आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, मतलब सॉलिड फ्रिक्शन का रीजन भी बॉन्डिंग था, इस फ्रिक्शन का रीजन भी बॉन्डिंग ही है। डिफरेंस है सॉलिड फ्रिक्शन जो है, सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टेक्ट, बट ये जो फोर्स है, जो जो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विस्कोसिटी के केस में की, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। लिक्विड फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन नहीं है, म्यू इंटू आर ना कर देना, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला, वो सॉलिड फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, लिक्विड फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक, ए इंटू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। और विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कम हो जाती है अगर आप लिक्विड को हीट करो, बॉन्ड टूट जाते हैं जल्दी जल्दी, पर सॉलिड फ्रिक्शन का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है यहां तक। जो सॉलिड फ्रिक्शन है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन एन, बट लिक्विड फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन की फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, गाढ़ा लिक्विड पतला हो जाता है अगर आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे। तो नेक्स्ट है पॉइसलीज फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला है बिना प्रूफ के फॉर्मूला है, प्रूफ नहीं है, पर न्यूमेरिकल इसके आते हैं, कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना, ये क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूले का नाम है पॉइसलीज फॉर्मूला। क्या करेगा पॉइसलीज फॉर्मूला फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड निकालने का मतलब क्या निकालना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। आउट इसमें समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इट इज अ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब बाय अज्यूमिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड टू बी स्ट्रीमलाइन एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि बड़ा स्मूथ फ्लो, स्मूथ फ्लो। दो तरीके के फ्लो होते हैं जो एक स्किप कर दिया ना चैप्टर फ्लूइड फ्लो, उसमें आता होता है वर्ड स्ट्रीमलाइन। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट मतलब घूम घूम के पानी जा रहा है, बहुत प्रेशर है, जगह है नहीं, वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, बड़े प्यार से पानी जा रहा है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जांपल है, जिसमें बड़े प्यार से पानी जा रहा है, स्ट्रीमलाइन स्मूथ फ्लो है, जिसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। कि अगर आपके पास एक पाइप गिवन हो, पाइप में से आपने क्या निकालना है, वाटर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है। गिवन लेंथ ऑफ पाइप अगर आपको दे दें, अगर आपको रेडियस ऑफ पाइप दे दें कैपिटल आर, तो एक और चीज दे दें, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा मान लो, एक और चीज दे दें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाइप में पानी तब मूव करता है अगर दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो, प्रेशर डिफरेंस। अगर आप
नलके के साथ पाइप भी लगाते हो कार वॉश करने के लिए, तो टैप के पास प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पानी का और दूसरे एंड पर बहुत कम होता है, इसीलिए पानी फ्लो करता है। अगर आप 3 मंजिली तक पाइप का एक एंड ले जाओगे, टैप चला दो फुल स्पीड, ऊपर का प्रेशर ज्यादा है नीचे का कम है, पानी ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है यहां तक? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिफरेंस। तो इसलिए लेट से यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P2 है, और मान लो P1 इज ग्रेटर देन P2 तभी पानी बाहर निकलेगा। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P। P स्टैंड फॉर व्हाट? प्रेशर डिफरेंस। तो P स्टैंड फॉर प्रेशर डिफरेंस। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो याद रखना ऑयसलीज फॉर्मूले में जब हम बनाने जा रहे हैं उसमें P सिंबल जरूर आएगा, बट P डज नॉट मीन्स अ प्रेशर, P मीन्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है? तो अगर इस केस में क्या है कि क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, जिसको V से रिप्रेजेंट किया, पर याद रखना इस फॉर्मूले में V का मतलब वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम भी नहीं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिफरेंस। सोचो ना, पाइप के बीच में जितना बड़ा प्रेशर डिफरेंस होगा पानी बड़े स्मूथली और ज्यादा बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ रेडियस। पाइप का रेडियस जितना बड़ा होगा पानी उतना ही ज्यादा बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। 4 लीटर पानी है बाहर निकालना है और पाइप कितनी लंबी ले ली आपने? 1 किलोमीटर लंबी। निकालो बाहर, बीच में फंस जाएगा, वहां तक भी लंबी ले लोगे तो भी होली होली पानी गिरना शुरू हो जाएगा। पानी इतना है नहीं और आप लेंथ बड़ी ले रहे हो। अब सोचो 1 मीटर लंबी आपने पाइप ली, 4 लीटर पानी निकालना है, जाएगा कहां? बहुत तेजी से बाहर आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी पाइप। जितनी बड़ी पाइप होगी उतना ही वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कम होगा। ठीक है यहां तक? और लास्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पानी का डालोगे पाइप में तेजी से बाहर आएगा। एक काम करो, अब शहद को डाल दो, अब देखो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कितना है। क्योंकि जो विस्कस लिक्विड है उनका ईटा बहुत ज्यादा है, ईटा ज्यादा है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड उतना ही कम है। ठीक हो गया? यानी कि सही फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स को कंबाइन कर लिया, PR4 अपॉन ईटा एल, और एक कॉन्स्टेंट लगा दिया। कॉन्स्टेंट ऐसे केस में पाई डिवाइडेड बाई 8 होता है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला याद रखना, पाई बाय 8 PR4 अपॉन ईटा टाइम्स एल, याद रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है ना यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक।
ओके देखो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ भी एक एक्सपेरिमेंट है, कोई प्रूफ नहीं इसका भी, हमने करना ठीक. चैप्टर ही बड़ा अजीब है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं चैप्टर में और कुछ नहीं है. तो स्टोक्स लॉ जो हमने करना है, स्टोक्स लॉ, लॉ मीन्स कोई ऐसी चीज जो हमेशा ट्रू रहेगी. स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि अगर कोई लिक्विड है जिसकी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, अगर मैं सपोज किसी भी स्फेयर को, लॉ में वर्ड स्फेयर ही यूज किया है, किसी भी क्यूब को नहीं बोलना, किसी भी क्यूबॉइड को नहीं बोलना, जबकि उनके ऊपर भी लगेगा ये प्रिंसिपल, पर हमने अपना न्यूमेरिकल स्फेयर लेके ही सॉल्व करना है और आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो स्फेयर के साथ आएंगे. अगर आप किसी भी स्फेयर को जिसका रेडियस आर है पानी में घेर दो और ये स्फेयर नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी, पानी में ड्रॉप करने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो तैरेगा, डूब भी सकता है, डूबने दो उसको, जाने दो विद वेलोसिटी ऑफ वी. तो ये लिक्विड या वाटर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा. अगर हम भी एयर से जंप करें पानी में, हमारी स्पीड स्लो जाएगी, हमारे ऊपर भी लगता है क्योंकि हमें लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स. वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहां लगेगी, अपवर्ड्स एफ. ठीक, तो एक बोलो नहीं, बॉडी को लेकर, बॉडी की सरफेस है, गोल है, हर पॉइंट जहां जहां पानी टच कर रहे हैं हो रहा है ना, वो स्लाइडिंग हो रही है पानी के साथ एक तरीके की, एक सॉलिड की, तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी. तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, पानी कोई लेयर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अब हम पानी के अंदर पानी की वजह से ही फोर्स ही निकाल रहे, अब हम पानी की लेयर के साथ फोर्स ही निकाल रहे, अब हम सॉलिड और लिक्विड की फोर्स निकाल रहे. ये भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपवर्ड होगी और जिसकी वैल्यू होगी 6 pi eta, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इनटू रेडियस आर इनटू वेलोसिटी वी. जितना बड़ा ईटा होगा, थिक लिक्विड होगा, विस्कस लिक्विड होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी. शहर के अंदर जम कर जाओगे, इतनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी तो मेरे को तो ये डर है कहीं चोटियां लग जाए, सॉलिड की तरह ही एक्ट कराना शुरू कर दे. बहुत हार्ड लिक्विड है अगर मान लो, तो एकदम बहुत तेजी से जाओगे, मान लो बहुत किलोमीटर से ऊपर गिर रहे हो, बहुत थिक लिक्विड है, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही ज्यादा, स्लाइडिंग ज्यादा होगी. पतला लिक्विड होगा तो एकदम नीचे जाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स कम. तो मींस ईटा पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगी. जितना बड़ा स्फेयर होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, छोटे स्फेयर पे कम, बड़े स्फेयर पे ज्यादा. जितनी तेजी से आएगा वेलोसिटी ज्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा, वेलोसिटी कम फ्रिक्शनल फोर्स भी कम. ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा. और कितनी कंफ्यूजन है, सॉलिड के अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स, पानी की लेयर के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स, और सॉलिड स्फीयर और पानी के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. तो पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलना बंद करो, मैं बंद करता हूं पहले, फिर आप बंद करना. फ्रिक्शनल फोर्स गलत वर्ड है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था मैं, कि आपको समझ आ जाए कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. एक्चुअल में सॉलिड की फ्रिक्शन को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, लिक्विड की फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स. ठीक है ना यहां तक. तो लिक्विड की होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है. तो अगर आपने बोलना है तो बोलो, बट फॉर्मूला न्यू टाइम्स आर मत लगा देना नॉर्मल रिएक्शन. यहां तक क्लियर है, होती है फ्रिक्शनल फोर्स. तो F is equal to A dV by dx किया था, वो भी विस्कस फोर्स है, ये भी विस्कस फोर्स है. यहां तक क्लियर है. इस स्पेशल फोर्स को जो ऊपर एक्ट कर रही है, या तो इसको विस्कस फोर्स बोलो या फिर कई बुक्स में लिखा हुआ है विस्कस ड्रैग, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, विस्कस ड्रैग एक ही बात है, दोनों का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है. कोई डाउट इसका, यहां तक क्लियर है. नहीं, ये सब कुछ पानी में, एयर का कोई लेना देना नहीं. ये वेलोसिटी ये नहीं है कि हवा में कितनी वेलोसिटी है, पानी में, हवा में है ही नहीं बॉडी, क्वेश्चन ही पानी का है, पानी के अंदर है सब कुछ. वो मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा ना, पहले आप यू एयर में लोगे, फिर आप पानी तक हाइट कैलकुलेट करोगे, फिर आप वी निकालोगे, फिर आप पानी का क्वेश्चन सोल्व करोगे. वो
काइनेमेटिक्स से सॉल्व हो जाएगा, उसमें विस्कस ट्रैक का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना ये पूरा चैप्टर लिक्विड्स का चैप्टर है, हर चीज किसमें कैलकुलेट हो रही है, लिक्विड में। न्यूमेरिकल की अपनी मर्जी है, न्यूमेरिकल में जो मर्जी बनाए वो, कि पहले एयर में थी फिर पानी में थी, तो एयर का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एएस वाला, और यहाँ का क्वेश्चन विस्कस ट्रैक से होगा। आज करवाऊंगा, डोंट वरी, अभी जाते हुए करेंगे। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है सबको? फोर्स समझ आ रही है, विस्कस फोर्स है। यही लॉ है कि इट इज अ ड्रैगिंग फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स विच अपोजिज मोशन ऑफ द बॉडी। ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला आपको दे दिया, अगर बाय चांस प्रूफ भी आ जाए, डेरिवेशन आ जाए कैसे आए ये फॉर्मूला, तो एक लिमिट तक आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से प्रूफ कर लो, बट ये एक सही प्रूफ नहीं माना जाएगा। सही मीन्स की कॉन्स्टेंट की वैल्यू थोड़ा निकालता है ये। यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम चीजों को प्रूफ करते थे कि ये फॉर्मूला ऐसा आएगा, बट कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो एक लिमिटेशन थी ना यूनिट्स एंड डायमेंशन की, वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं देता था। तो देख लो एक बार, अगर आ भी जाए पेपर में तो कर देना कि विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन ईटा, सबको पता है लिक्विड पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। तो लेट से ए बी एंड सी कंबाइन कर दो, कांस्टेंट के लगा दो, लेफ्ट और राइट साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन बना के 111 आंसर आ गया, और कांस्टेंट की वैल्यू 6π आपको याद करनी पड़ेगी, ये मैं और आप निकाल नहीं सकते। तो इसलिए बस एक छोटा बहुत प्रूफ है कि चलो अगर वेरीफाई करना है तो कर लो, बट एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक। इस पूरे चैप्टर में काम की चीज अभी तक आई नहीं, बस कभी एक फॉर्मूला आया चला गया, दूसरा फॉर्मूला आया चला गया, तीसरा आया चला गया। काम की चीज सिर्फ एक है और वो है टर्मिनल वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपका अगर क्वेश्चन आया 101% टर्मिनल वेलोसिटी पे ही आएगा, ठीक। और टर्मिनल वेलोसिटी एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब आंख बंद करके इसी को न्यूमेरिकल आ गया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी एक वर्ड है, ये काइनेमेटिक्स में भी आ सकता है, ये लिक्विड्स में आ सकता है, ये चार्जेस में आ सकता है। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक। यानी कि जितनी गाड़ियां कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हैं उनका आज के बाद नाम टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ऐसा होता तो काइनेमेटिक्स में कितना, इतने क्वेश्चन की काइनेमेटिक्स में, हर के आगे कार इज मूविंग विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कभी सुना? यानी कि कुछ तो खास है। मैंने आधी डेफिनेशन बताई है, टर्मिनल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, पर मैं आधी बात छुपा गया कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी आई कहां से। पूरी बात बताऊं कि एक्चुअल में इस वेलोसिटी में खास क्या है, देखो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप एक स्फीयर लो पानी के अंदर, वॉटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, एयर में कोई नहीं एक्सपेरिमेंट करना, वॉटर में करेंगे। सपोज इसका वेट नीचे की तरफ 10 न्यूटन है, पानी में ट्रू वेट है, अपरेंट जो मर्जी मान लो बस 10 है, ठीक है यहां तक। तो ट्रू वेट मान लो, असली वेट एयर में वेट इसका 10 न्यूटन है, लेकिन पानी में वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वाटर इसके ऊपर क्या लगाएगा? अप, लेट से अप थ्रस्ट कितना लग गया? 2 न्यूटन हो गया, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप, अगर मैं इस बॉडी को अपने हाथ से छोड़ दूं, पकड़ा हुआ भी मैंने, पकड़ने का मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू सी, दो फोर्सेस तो फिर भी एक्ट करेंगी, छोड़ो या ना छोड़ो, अब थ्रस्ट तो लगना ही लगना है, बॉडी का वेट तो जीरो हो नहीं सकता। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट करेगी? एक्सेलरेट बॉडी कब करती है? जब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है। तो इस बॉडी का नीचे की तरफ फोर्स कितनी है, ऊपर की तरफ कितनी है? 2। तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जीरो तो नहीं, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट का मतलब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये तो कोई भी बता देगा। हाथ में पकड़ोगे तो वेलोसिटी जीरो, छोड़ोगे तो वेलोसिटी ने बढ़ना ही बढ़ना है, तो एक्सेलरेट तो उसने करना ही करना है, ठीक हो गया। वो जैसी चली, जैसी मैंने उसको छोड़ दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू अब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई,
उसी टाइम एक और फोर्स इसके ऊपर एक्ट करनी शुरू हो गई अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आर वी। पहले नहीं थी, पहले वेलोसिटी क्या थी, जीरो, पर जैसी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, एक्सेलरेशन है, जैसी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई ये फोर्स ने भी बढ़ना शुरू कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। अब मान लो जब वेलोसिटी कम थी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो पहले 1 न्यूटन थी, फिर बॉडी एक्सेलरेट तो कर रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, जैसी वेलोसिटी और बढ़ी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट क्लियर है? आपने कहा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं थी तो बॉडी एक्सेलरेट तो करेगी ना, एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई तो उस केस में मान लो कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन है तो बॉडी कितनी फोर्स से नीचे जाएगी, 10 माइनस, अब थ्रस्ट 2 है प्लस 1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम तो ना होगी, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी उस केस में, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक, नेट फोर्स चेंज हो गई। और सोचो जैसी वेलोसिटी और बढ़ गई, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही, 1 की जगह क्या हो गई 2, तो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या होगी, 10 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है, फोर्स और बढ़ गई, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब फोर्स बढ़ती 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 कितने न्यूटन हो जाएगी, 8 न्यूटन। फोर्स तो बढ़ती जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और अगर आपकी फोर्स 8 न्यूटन हो गई, अगर आपकी फोर्स 8 न्यूटन हो गई तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर फोर्स 8 न्यूटन हो गई, नेट फोर्स इज 10 माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे कोई ये बताएगा एक्सेलरेशन क्या आएगी उस केस में, 0, इसका मतलब वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक, ये बात सबको समझ आ रही है? तो एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप एक स्फीयर लो, स्फीयर को अपने हाथ में पानी में पकड़ो, तो शुरू शुरू में एक्सेलरेट करेगा, नीचे जाएगा, जैसी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल ना हो जाए। हो गई तो क्या स्फीयर डूबना बंद कर देगा? बिल्कुल गलत, ऐसा तो हो नहीं सकता, स्फीयर ने तो डूबना है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डूबना स्टार्ट कर देगा। पहले वो 0 रेस्ट पे था, शुरू शुरू में उसकी वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ रही थी, फिर कम तेज, फिर कम तेज, फिर कम तेज, और फिर इट विल बिकम कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट, आइडिया पता लगा? और इस तरीके की जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली, शुरू में एक्सेलरेट कर रही थी बॉडी और बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गई, इस वेलोसिटी अटेन को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। स्पेशल हो गई ना वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स वाली नहीं है, काइनेमेटिक्स में तो वैसी गाड़ी की स्पीड भी 10 थी, हमेशा 10 है, वो टर्मिनल थोड़ी ना है। टर्मिनल तब है जब अपने आप चलते चलते बॉडी की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए और बॉडी फिर भी चले विद सम कांस्टेंट। मैंने कुर्सी को धक्का मारा विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये टर्मिनल नहीं है, ये तो सिंपल कांस्टेंट वेलोसिटी है। हाँ, कोई बॉडी चल रही थी, अपने आप ही उसने एक्वायर कर लिया, मैंने तो एक्सेलरेट करवाया था, अपने आप ही एक्वायर कर गई कांस्टेंट वेलोसिटी, वो टर्मिनल है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आया टर्मिनल वेलोसिटी का क्या है? तो अगर कोई पैराशूट के साथ प्लेन से जंप करे ऊपर, तो आपने देखा होगा वो एडवेंचर करते हैं, वो एकदम क्या कर रहे होते हैं, अपने चेन बनाते हैं हवा में, वो नीचे गिरते जा रहे हैं, पैराशूट गिरते जा रहे हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। शुरू शुरू में U0 होता है, प्लेन खड़ा होता है, जंप करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत तेज से नीचे गिरते हैं शुरू में, फिर उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर भी लगाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एयर भी लगाएगी अप थ्रस्ट, तो अपवर्ड फोर्स एक्ट करनी शुरू कर देती है, डाउनवर्ड फोर्स तो उनका वेट है, अपवर्ड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितनी तेज वो नीचे गिरेंगे उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा। एक ऐसा पॉइंट आएगा हवा में जब ऊपर की फोर्स विल बैलेंस नीचे की फोर्स, तो क्या वो बंदा हवा में रुक जाएगा? नहीं रुकेगा नहीं, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो टर्मिनल वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है, एग्जांपल समझ में आ रहा है? तो ये टर्म यूज होती रहेगी बहुत सारे चैप्टर में, प्लस 2 के अंदर भी आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो याद रखना कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे सीखा था, ठीक है? यहां तक कोई डाउट इसमें? वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, फर्क है। पानी तो बहुत डिस्प्लेस हो जाता है, एयर का अपसर तो होता ही 0 है, 0 क्या बहुत कम होता है कि निगलेक्टेड छोड़ देते हैं उसे,
بٹ اگر لینا ہو تو کہیں میڈیکل میں کہا جاتا ہے کہ لوگ وہ لے لیتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. اب تھوڑی فزکس کی ٹرم میں بات کر لیں. یہ تو چلو ایک سمپل کیلکولیشن تھی. فزکس کے ٹرم میں کیسے بات کریں گے؟ لیکوڈ ہے جس کا کوفیشینٹ آف وسکوسٹی ایٹ ہے, سفیئر ہے جس کا ریڈیس آر ہے. سفیئر نیچے گر رہا ہے, اس کا ایکچوئل ویٹ کتنے ایم جی, اور سفیئر کی ڈینسٹی رو ہے, پانی کی ڈینسٹی سگما ہے. ٹھیک ہے یہاں تک گیون سمجھ آ رہا ہے کیا گیون ہے؟ اگر میں اس کا ٹرو ویٹ نکالوں, ماس نکالوں, ماس از ولیوم انٹو ڈینسٹی, ایم جی کا مطلب ویرو جی, ماس کا مطلب ولیوم, ولیوم کا مطلب 4/3 πr³, اور کس کا ویٹ نکل رہا ہے باڈی کا, تو باڈی کی ڈینسٹی کتنی ہے انٹو جی. ٹھیک ہے یہاں تک باڈی کا ویٹ نکال دیا. اگر باڈی کا ویٹ نکال رہے ہیں تو ڈینسٹی بھی کس کی لینی ہے؟ باڈی کی. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ آرکیمیڈیز پرنسپل سیز دیٹ ویٹ آف واٹر ڈسپلیسڈ یا اب تھرسٹ ایک ہی بات ہے. آرکیمیڈیز پرنسپل کا پروف میں یہ کیا تھا کہ ویٹ آف واٹر ڈسپلیسڈ یا اب تھرسٹ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے؟ سیم. تو اگر میں پانی کی بات کر رہا ہوں تو باڈی کے اوپر کیا لگے گا؟ اب تھرسٹ. اور اب تھرسٹ جیسا کہ میں نے بولا کہ اب تھرسٹ کا مطلب ہوتا ہے ویٹ آف لیکوڈ ڈسپلیسڈ. ویٹ آف لیکوڈ ڈسپلیسڈ کا مطلب ویرو جی, ولیوم کتنا. اگر یہ باڈی کچھ پانی ڈسپلیس کرے گی تو اس کا ولیوم کیا ہوگا؟ 4/3 πr, جتنا باڈی کا اتنا لیکوڈ کا. ہم کس کا ویٹ نکال رہے ہیں تو ڈینسٹی کس کی؟ انٹو جی. ویٹ آف لیکوڈ آ گیا اور یہی کیا ہوگا میرا؟ کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو جب ہم اپ تھرسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جب بھی ہم نے اپ تھرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے ہم ہمیشہ کیا کریں گے؟ ویٹ آف, ہم ڈینسٹی کس کی لیں گے؟ لیکوڈ کی. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو اس میں؟ دونوں ویلیوز کلیئر ہیں. اور لاسٹ جب بھی باڈی ہوا میں گر رہی ہوگی اس کے اوپر ایک اور فورس, فورس آف فریکشن 6/ηr. ٹھیک ہے یہاں تک؟ شروع شروع میں یہ بہت زیادہ, یہ کم, یہ تو بالکل زیرو. پھر یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, بڑھنا شروع ہو جائے گا, بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک ایسا ٹائم آئے گا جب ڈاؤن ورڈ فورس از اکول ٹو سم آف اپورڈ فورس. ایک ایسا ٹائم آئے گا جب یہ اس کے اکول ہو جائے گا, اور اگر ایسا آ گیا اس ویلوسٹی کو کیا بولیں گے؟ ٹرمینل ویلوسٹی. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ سمجھ آ رہا ہے یہاں تک؟ دیکھیں کر کے. دیکھو آپ کے اسائنمنٹ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ اپورڈ فورس ہے, یہ اپورڈ فورس ہے, یہ ڈاؤن ورڈ فورس ہے جو لکھ کے دکھایا میں نے ابھی آپ کو. یہ باڈی کا ویٹ ہے, باڈی کی ڈینسٹی, یہ لیکوڈ کا ویٹ ہے, اب تھرسٹ ہے, اور یہ فورس آف فرکشن ہے. سالو کر لو, 4/3 πr³ جی ایک طرف, باقی ٹرمز ایک طرف, وی آ گیا. دس ویلوسٹی از نون ایز ٹرمینل ویلوسٹی. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ بھی نہیں کرنا, ایکویٹ کر کے وی نکال لینا, اور وی کی ویلو کیا آئے گی؟ دس از نون ایز ٹرمینل ویلوسٹی. اینی ڈاؤٹ؟ یاد ہو گیا 2/9 r² رو مائنس سگما جی اپون ایٹا. دیکھ لو ایک بار, یاد کر لو. اگر میری طرح یاد نہیں کر سکتے تو کانسیپٹ مائنڈ میں رکھنا ہمیشہ, 6/ηr² پلس اپ تھرسٹ از ایکول ٹو باڈی کا ویٹ, اپنے بنا لینا. ایسا مجھے کر لو, آج یاد ہو جائے گا, دو مہینے بعد کس کو یاد ہے, ایک سال بعد تو بالکل بھی یاد نہیں. میرے کو بھی یاد نہیں, میرے سے بھی پوچھتے دوسرے بیچ میں, میں نے پڑھایا تھا ایک سال بعد, میرے کو یاد ہی نہیں تھا. تو کوئی بات نہیں, نہیں آپ کو کیا ٹینشن ہے, یہ تو پتا ہے مائنڈ میں چلتا ہے. 6/ηr² پلس 4/3 πr³ انٹو سگما انٹو جی ایکول ٹو 4/3 πr³ انٹو انٹو جی. کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو فارمولا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ کلیئر ہے یہاں تک؟ تو اپنے آپ فارمولاز بن جائیں گے. ٹھیک ہے یہاں تک؟ اس سے چھوٹا چیپٹر کیا ملے گا آپ کو؟ ٹھیک, ایک اور کیا چھوٹا سا ہے, ویسے زیادہ بڑا تھا ہی نہیں. اس کے نیومیریکل ہے نا, ان پورے چیپٹرز میں تھیوری نہیں ہے, ان میں نیومیریکل زیادہ ہیں. لو پھر پہلا کوشچن ٹرائی کر لو.
پہلا نہ کرو, پہلے ایزی کرو اور آپ کوشچن کرو, بس آپ تھرڈ کر دو. تھرڈ کوشچن क्वेश्चन है, एक प्लेट है ऑफ मेटल ऑफ एरिया गिवन रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल ऑफ थिकनेस गिवन हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3. इमेजिन करो एक ऑयल है, ऑयल के ऊपर एक प्लेट है, ठीक. प्लेट की थिकनेस गिवन है, प्लेट की थिकनेस गिवन है, चेक करना है ना, ठीक है. यानी कि क्या गिवन है, डी एक्स गिवन है. ये प्लेट इसलिए मुश्किल है खींचनी इस ऑयल के ऊपर क्योंकि ऑयल और प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स बता दूं, उतनी ही फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी इसको मूव करवाने के लिए. यानी कि इस क्वेश्चन में क्या निकलेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो अगर मैं इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करूं जिसका फॉर्मूला क्या था, माइनस ईटा ए डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स, पर आप लोग मुझे ये बोलेंगे कि फॉर्मूला तो हम लगा लें, पर ये फॉर्मूला कब लगता था, जब दो लेयर्स पानी की ही होती थी, दो लेयर ऑयल की ही होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं. ये आपकी एक लेयर है नीचे वाली ऑयल की, और आप इमेजिन करो कि ये लेयर है, ये सेकेंड लेयर है. इमेजिन करो ये एक लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, और जो ऑयल है वो तो मूव ही नहीं कर रहा. तो ऑयल की लेयर की वेलोसिटी कितनी है, जीरो, पर प्लेट तो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, थ्री. तो
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ये एक लेयर लेनी है आपने, ऑयल की सेकेंड लेयर लेनी है आपने, और इनके बीच में 3-0 डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात कि आप ऐसा कंसिडर करो कि दो लेयर्स हैं, एक प्लेट की और एक ऑयल की है, उनमें रिलेटिव वेलोसिटी है कितनी, 3, क्योंकि ऑयल तो मूव ही नहीं कर रहा, मूव कौन कर रही है, प्लेट, और दोनों की थिकनेस गिवन है आपको, दोनों के बीच में थिकनेस गिवन है, तो डीएक्स गिवन है, डीवी गिवन है, डीवी आ गया, डीएक्स आ गया, एरिया गिवन है, ईटा गिवन है, आंसर क्योंकि सब कुछ सीजीएस में यूनिट्स के आएंगे। डीवी ऐसा आया, प्लेट मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 3, ऑयल तो नहीं मूव कर रहा, अगर प्लेट एक लेयर है, ऑयल की टॉप मोस्ट सरफेस एक लेयर है, ऑयल की वेलोसिटी 0, प्लेट की 3, तो दोनों लेयर्स में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी 3-0 जैसे वेलोसिटी एक ही गिवन है वही डीवी बनेगी। ज्यादा क्लियर है तो एक आंसर आ गया आपका, मैंने आंसर शीट दे दी ना, सॉल्यूशन शीट आपको, ठीक है आप आंसर वहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो फिफ्थ, लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ 1 mm रेडियस, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, अंडर दी प्रेशर ऑफ, प्रेशर गिवन होगा पर आपने एज्यूम करना है इसको प्रेशर डिफरेंस, पी की वैल्यू भी गिवन है, कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर क्या लगेगा, पॉइसलीज फॉर्मूला, किया था ना पॉइसलीज फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू पॉइसलीज फॉर्मूला वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज पाई बाय 8 पी आर 4 अपॉन ईटा टाइम्स एल, ठीक है यहां तक, P की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, ईटा की वैल्यू गिवन है, लेंथ की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना यादव, तो ये देखो ये सारा कुछ पुट कर दिया, P गिवन है, R गिवन है, ईटा गिवन है, लेंथ गिवन है, मेथड क्लियर है यादव, तो ये क्या आ गया वॉल्यूम पॉइंट पर सेकेंड, कोई डाउट इसमें, आंसर गिवन है, और यूनिट्स इसके सीजीएस में रखना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको एक और चीज निकालनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ ट्यूब, एक चीज सुन लो, इस पूरे यूनिट में जब भी क्वेश्चन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का आएगा उसको निकालने के दो ही तरीके हैं बस, पहला तरीका जब पाइप की लेंथ गिवन होगी, प्रेशर डिफरेंस गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, ईटा गिवन होगा, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला पॉइसलीज फॉर्मूला से निकलेगा, पाई बाय 8 पी आर 4 अपॉन ईटा टाइम्स एल, हमने कर लिया। लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन, सिर्फ एक चीज गिवन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का ए, और लिक्विड की वेलोसिटी गिवन है, दो चीजें गिवन है, एक एरिया और एक वेलोसिटी, तो याद रखना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का एक और फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको भी बोलते हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वो इसलिए क्योंकि एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड, तो क्या बनेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो याद रखना चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर लो चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है, अगर तो प्रेशर प्रेशर गिवन है तो पॉइसलीज फॉर्मूला लगाना, अगर एरिया और वेलोसिटी गिवन है तो एरिया इंटू वेलोसिटी से सीधा आ जाएगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर
वेलोसिटी ऑफ वाटर जो पानी की वेलोसिटी होगी, पानी निकल रहा है पाइप में से ना, तो पानी की वेलोसिटी, क्वेश्चन सेम है, इसमें पानी निकल रहा है, इसमें पानी निकल रहा है, इसमें वेलोसिटी नहीं गिवन, इसमें, तो अगर वेलोसिटी की फॉर्म में निकाल लें तो ये फॉर्मूला, अगर प्रेशर की फॉर्म में निकाल लें तो ये फॉर्मूला। आइडिया क्लियर है? और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस दो ही यूज होते हैं हमेशा। अब क्वेश्चन ट्राई करो जो पूछा है, आपको पानी की वेलोसिटी निकालनी है और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड हम निकाल चुके हैं बाय पॉइसन फॉर्मूला, आ गया आंसर। ठीक, देखो तो इसमें, इस क्वेश्चन में हमने अभी निकाल लिया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, ये रहा, लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी, और किसी भी पाइप का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पुट कर दिया, वेलोसिटी निकाल लिया आंसर। ठीक है ना, तो यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड दोनों फॉर्मूला से निकाला, पॉइसन फॉर्मूला से भी और एरिया इनटू वेलोसिटी से भी। कोई डाउट इसमें?
क्वेश्चन है, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm ईच फॉलोइंग डाउनवर्ड विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5। हमने जो क्वेश्चन किया, स्फेयर को पानी में डुबोया ताकि टर्मिनल आए, इसमें ड्रॉप पानी मूव करेगा एयर में, तो मीडियम इसमें पानी नहीं है, मीडियम इसमें एयर है, बॉडी इसमें स्फेयर नहीं है, बॉडी इसमें पानी है। डिफरेंस समझ आ रहा है? मींस मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हमने ऐसे किया, ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा और स्फेयर की डेंसिटी रो, बॉडी की डेंसिटी रो लेनी है हमेशा और मीडियम की डेंसिटी आपने सिग्मा लेनी है, कोई बात नहीं। अगर ये रेन ड्रॉप भी गिर रहा है तो रेन ड्रॉप की डेंसिटी रो और एयर की डेंसिटी आपने क्या ले लेनी है, सिग्मा, तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। क्या फर्क पड़ता है कोई भी किसी में भी गिरे, जब हमने सोच ही लिया कि जो बॉडी गिर रही है उसको रो लेना है और जिसमें गिर रही है वो सिग्मा लेना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, यही है, ठीक है, यहां तक फॉर्मूला विल रिमेन सेम। क्वेश्चन है कि 8 ड्रॉप्स अगर गिरे पानी के, तो उस केस में जब 8 ड्रॉप्स गिरते हैं 1 mm ईच, टर्मिनल वेलोसिटी 5 है उनकी, तो जब 8 ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स गिर रहे हैं और रेडियस कितना है 1 mm, इसको प्लीज सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक, जब ये पानी में गिरेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे केस में क्या लगेगा, सेम 2/9 आर स्क्वायर रो सिग्मा जी ईटा, ठीक। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर, चलो मान लेते हैं, सपोज अगर ये 8 ड्रॉप्स मिल जाएं और एक बड़ा ड्रॉप बना ले जिसका रेडियस कैपिटल आर है, पानी के ड्रॉप मिलते हैं तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो 8 इंटू 1 ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर, ठीक है ना, यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर है? मैंने वॉल्यूम को इक्वेट कर लिया ताकि मैं बड़े ड्रॉप का रेडियस निकाल सकूं, बड़े ड्रॉप का रेडियस तभी निकलेगा ना, कोई डाउट इसमें? तो इसको इक्वेट करो, ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 2 times स्मॉल आर, तो जो बड़ा ड्रॉप 1 ड्रॉप गिरेगा उसका रेडियस कितना आ गया, 2 आर, ठीक, कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है सबको, ठीक है, काम करते हैं। बिग ड्रॉप के लिए, बड़े ड्रॉप के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं 2/9, रेडियस कितना है इसका, 2 आर, रो चेंज नहीं होगा, सिग्मा चेंज नहीं होगा, चाहे ड्रॉप 8 है चाहे ड्रॉप 1 है, बने तो पानी के हुए हैं ना, तो रो विल रिमेन सेम, एयर की डेंसिटी विल रिमेन सेम, जी विल रिमेन सेम, ईटा विल रिमेन सेम, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर लो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये बच गया, सब कुछ कैंसिल, बस यही बच गया, ठीक है ना यादव, इसकी वेलोसिटी आपको 5 गिवन है, ये वैसे कैंसिल हो गया, तो वीटी डैश इज 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर पर, समझ में आ रही है बात, क्लियर है?